बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी बहन नाहिद असलम देसी फूड्स एंड व्लॉग के साथ हाजिर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इवनिंग रूटीन। उसमें मैं अभी ड्यूटी से आई हूं थोड़ी देर पहले, तो खाना बनाने लगी हूं शाम का। मैंने कहा अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूं, तो आज मैं चिकन और आलू बनाऊंगी। उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर काट लिए हैं, रफली चॉप किए हैं मैंने, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, और मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे नए बहन भाई हैं, मेरे चैनल पर नए बहन भाई आने वाले जो हैं मेरे, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो आपकी ये आप लोगों का तावन है, और आप लोगों के तावन की वजह से ही पहले मैं इस मुकाम पे हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी जरूर मुझे कामयाबी मिलेगी जैसे ही आप बहन भाइयों का साथ रहेगा मेरे साथ। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी और मिर्ची। आप अपने स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से करें, इसमें डालें। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूं। ये मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुकी हूं, आलू और चिकन बना रही हूं आज मैं शोरबे वाले। हाँ, रूटीन के खाने में मैं ज्यादा स्पाइसेस यूज नहीं करती। ये थोड़ा सा खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड करूंगी, और अब इसको मैं प्रेशर कुकर में कम से कम 5 मिनट तक इसका वेट चलाऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ज्यादा सारा नहीं करना, बस इतना सा ही। अब प्रेशर कुकर को मैं बंद करके रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। प्याज मसाला अच्छे तरीके से टेंडर हो गया था, मैंने ऑयल ऐड कर दिया इसमें। 4-5 मिनट में इसको फ्राई करूंगी। अच्छा, आज चेहलम था, तो चेहलम ये जो शिया भाई करते हैं हजरत इमाम हसन हुसैन का, तो उसके लिए मार्केट बंद थी हमारी, जिस साइड से सब्जी होती है ना, तो फिर मुझे बहुत घूमना पड़ा सब्जी के लिए, लेकिन कहीं से भी ना तो अदरक मिला ना सबज धनिया मिला, बस ऐसे ही मैं घूम फिर के फिर मैंने चिकन ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 पाव मैंने फिर चिकन ले लिया। मैंने कहा चलो आज यही बना लेती हूँ आलू डाल के, तो फिर ऐसे ही मैं घूम फिर के वापस आ गई। बना लेते हैं और क्या करें, फिर कल कुछ सब्जियां ले आऊंगी जाके मंडी से। तकरीबन मैं मंडी से इकट्ठा ही ले आती हूँ, लहसुन प्याज हफ्ते की सब्जियां तो खत्म हो गई थी, आज मिली नहीं है, ना सब्ज धनिया मिला है ना अदरक। मेरा दिल था कि आलू बैंगन बनाऊं, तो वो भी नहीं मिला। गोश्त की भुनाई हो गई है, और अब इसमें मैं 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड किए हैं,
और इसके साथ ही मैं आलू ऐड कर दूंगी और उनमें 5-6 सब्जी मिर्चें भी हैं और इनको कम से कम 4 से 5 मिनट इनकी भुनाई करूंगी। भुनाई करके फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी जितनी मुझे जरूरत होगी। सालन मेरा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। धनिया तो मिला नहीं है जो कि मैं इसमें ऐड करती, अगर धनिया होता तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता। धनिया के साथ उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। अब मैं बनाऊंगी रोटी। अब सालन बनके तैयार हो गया, मैं रोटी बनाने लगी हूँ। तवा गर्म हो गया हुआ है और अब मैं रोटियां बनाऊंगी। बारीक सी रोटी बनाऊंगी, पतली सी। मोटी रोटी हमारे घर में पसंद नहीं की जाती। तवे पे रोटी मैंने डाल दी है। सालन भी बन गया है और अभी मैं रोटी बना रही हूँ। अब इसको पलट देंगे। अब मैं रोटी को सेकूंगी। ये थी मेरी आज की रूटीन, डेली रूटीन जो मेरी होती है, इवनिंग रूटीन। सालन बनाया है और रोटी बनाई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। डेली इवनिंग रूटीन का व्लॉग मैंने बनाया है। मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूं कि मैं इवनिंग की रूटीन मेरी क्या है। ओ उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।